हे एवरीवन, वेलकम टू ऑपिनेंट। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखना, स्किप करके मत जाना। तुम्हें अच्छा ना लगे तो तुम डिसलाइक कर सकते हो। कमेंट सेक्शन ओपन है, यू आर फ्री टू शेयर योर आइडियाज, और ऑब्वियसली अगर अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो में बताना चाहता हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें बात कर रहा था कि तुम जो भी पर्सनैलिटी एक्वायर करना चाहते हो उसके बारे में तुमको लिखना है एक पेपर में, और एक पेपर में तुम्हें ये लिखना है कि तुम अभी ज़िंदगी अपनी कैसे जीते हो अभी प्रेजेंट में, ठीक है। तो तुम्हारे पास दो पेपर है, एक यहाँ पे जहाँ पे तुम अभी हो और एक यहाँ पे जहाँ पे तुम्हें पहुँचना है, ठीक है। पेपर दोनों तुम्हारे पास हैं, एक में तुमको लग रहा है कि ये तो मैं जीता हूँ ऐसा, और एक देख के लग रहा है कि ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है, शायद जर्नी बहुत लंबा होने वाला है, पता नहीं कब मैं पहुँचूँगा। लेकिन ध्यान देना, उसमें जो तुम लिखने वाले हो सच में तुम्हें चाहिए, ठीक है। दैट्स वॉट यू रियली वॉन्ट। ऐसा नहीं कि बस दे दो मुझे, तो मतलब अच्छा हो अगर मुझको ये मिल जाएगा तो मैं बहुत खुश हो जाऊँगा। एक सच में अंदर से आवाज़ आनी चाहिए कि हाँ मुझको ये तो चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ। बर्निंग डिज़ायर एक होना चाहिए। सिर्फ अगर मैं बोलूँगा वांट 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 तो वो काम नहीं करेगा। जो सिर्फ चाहते हो, बस तुम्हें चाहिए, एक होता है कि बेसिक लेवल पर जो तुम चाहते हो, एक होता है कि तुम्हें पक्का डिज़ायर होता है कि नहीं मुझको तो ये पाके ही रहना है, मैं इसके बिना नहीं जी सकता हूँ। तो वो सब चीज़ें तुम्हें लिखनी है। इसीलिए मैंने उस वीडियो में बताया था कि तुम अगर टाइम ज़्यादा लेना चाहते हो तो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक सप्ताह ले लो, टेक अ मंथ, और पर लेकिन डिसाइड कर लो कि क्या तुम्हें चाहिए। क्योंकि अगर तुम डिसाइड कर लियो कि तुम्हें क्या चाहिए तो तुम सबसे आगे निकल चुके हो, बहुत लोगों से तुम आगे निकल चुके हो, मेरी बात मान। क्योंकि ना अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 60-70 को पता नहीं कि उन्हें चाहिए क्या, और ऑब्वियसली अगर पता नहीं है तो तुम कुछ एफर्ट कहीं नहीं पहुँचने वाले, कुछ एफर्ट नहीं लगाने वाले हो, कहीं पहुँचने नहीं वाले, ठीक है। तो लिखना बहुत ज़रूरी होता है कि अब तुमको एक विजन मिल चुका है कि तुमको जाना कहाँ पर। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि अब तुम ट्रांजिशन करोगे कैसे, क्या क्या तुम्हारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, तुम पहुँचोगे कैसे वहाँ तक, क्योंकि पहुँचना तो है ही तुमको, तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है नहीं, देयर इज़ नो प्लान बी। तो अब तुम करोगे कैसे, तो देखो एक छोटा सा ट्रिक मैं बताना चाहता हूँ, छोटा सा जो बहुत ही काम करेगा तुम्हारे लिए। तुमको क्या करना है, सबसे पहले तुम एक काम करो कि वो पेपर को जितना हो सकता है पढ़ा करो, रख मत देना पेपर को, बस लिख के रख दिए कहीं, नहीं कैरी इट, तुम उसको कैरी करो, अगर हो सके तो कॉपी डायरी जो भी हो वॉलेट में ले लो, पर उसको पढ़ते रहना। पेपर एज अ होल को पढ़ सकते हो, या तुमको अगर लगे कि ये मेन चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए उसको कैरी करो, ठीक है। अब तुम्हें करनी क्या है कि एक गोल कार्ड लेना है। गोल कार्ड क्या होता है, कोई भी कार्ड ले लो जो तुम कैरी कर सकते हो, उसमें तुमको लिख देना है कि आई हैव अ ब्रांड न्यू कार। लेट्स से तुम्हें कार चाहिए थे तो जो भी कार का नाम हो तुम लिख देना, ऑब्वियसली मैं बताऊंगा नहीं कि कौन सी कार तुम्हें चाहिए, पर उसमें तुम लिख देना आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, मुझको टीचर ने ऐसे ही बताया था, सच में ये कमाल का काम करता है। तो आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, और सिंपली आई एम सो थैंकफुल दैट आई हैव अ ब्रांड न्यू कार। और या तो हिंदी में लिखना चाहते हो तो मुझ ऐसा लिख सकते हो कि मैं इतना खुश हूँ कि मेरे पास एक नई कार आ चुकी है, मेरे पास एक नई कार है। उसमें लिखो और बिलीव के साथ लिखो, कन्विक्शन होना चाहिए तुम्हारे पास कि है मेरे पास है। अब देखो ये मैं नॉन ट्रिवियल चीज़ बता रहा हूँ, ऐसी चीज़ जो तुम्हें देखने में पता ना चलेगी। ऑब्वियसली तुमको पता है कि मेरे पास तो कार नहीं है, पर मैं वहाँ बोल रहा हूँ कि तुमको लिखने के लिए कि मेरे पास कार है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि मेरे पास कार आएगी। वो अगर तुम लिखते तो तुम सोच समझ सकते थे कि हाँ ये तो समझ में आता है कि मैं ऐसा लिख रहा हूँ कि मेरे पास कार होगी, हो सकता है फ्यूचर में कुछ पॉसिबिलिटी है, पर ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तुम ऐसा लिखो कि मेरे पास कार है, आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, या जो भी वेट तुम चाहते हो, जो भी डिज़ायर है तुम्हारा, तुम उसमें लिखो। और वो जो कार्ड है उसको कैरी करो अपने पास, उसको कैरी करो। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, जब तुम कोई गोल सेट करते हो या कोई डिज़ायर तुम्हारी होती है वो फेड कर जाती है, 2-4-5 दिन के अंदर देखोगे तुम फिर से वही स्टेज में पहुँच गए हो जहाँ से तुम स्टार्ट किए थे। बेड पर तुम लेटे हुए हो, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, कहाँ जाना है तुम्हें कुछ पता नहीं, सो बेसिकली यू आर लॉस्ट, यू आर बैक टू द सेम ट्रैक। तो वैसा नहीं हो, इसलिए तुम्हारे पास एक कार्ड है जो तुम्हें रिमाइंड करती रहती है कि यहाँ पे तुम्हें जाना है, यहाँ पे तुम्हें जाना है, ठीक है, वो रिमाइंडर है। या ऐसा कोई पिक्चर अगर तुम बना सको जो तुम्हें रिमाइंड करे कि तुम कहाँ जाना चाहते हो, दैट विल वर्क एज वेल, ठीक है। तो एक स्टेप मैंने क्या किया सबसे पहले कि मैं एक गोल कार्ड लेके चलता हूँ जहाँ पे मैं गोल्स लिख देता हूँ कि आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, ठीक है, जो मैं चाहता हूँ। इसको तुम्हें लाउडली पढ़ना है, लाउडली फुल कॉन्फिडेंट के साथ, आई हैव अ ब्रांड न्यू कार, ऐसे अच्छे से बोलना है तुम्हें कि मेरे पास अच्छी गाड़ी है और तुम खुश हो, ठीक है,
तुम्हें स्टेट अपना चेंज करना है, अब तुम दुख वाले स्टेट में मत रहना, अरे यार मुझे तो गाड़ी चाहिए, कैसे मिलेगी, काश मिल जाए, ये सब नहीं बोलना है, ठीक है? ये सब करोगे तो फिर नहीं मिलने वाली है। अभी तुमको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा कैसे हो रहा है, पर अभी अभी के लिए ऐसा मत मानो, अभी के लिए ऐसा मान लो कि अगर तुम ऐसा बोलोगे कि मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, तो चाहने चाहते रहोगे, फिर हुआ फिर और बाकी है। उससे पहले तुमको ये मानना पड़ेगा कि मेरे पास है। और ठीक है, अगर तुम स्टार्टिंग में तुम्हें प्रॉब्लम होगी मानने के लिए, वो मैं मानता हूँ, ठीक है, वो स्टार्टिंग में होता ही है। अभी तुम्हारे पास दिख नहीं रहा है पैकेट में, तुम्हारे वॉलेट में कुछ भी मनी वगैरह, लेकिन तुम चाहते हो लेट से लाखों कमाना, तो तुम जब बोलोगे कि मेरे पास 3 लाख रुपए हैं हर, तो तुम्हें मानने के लिए सच में परेशानी होगी, मैं वो समझ सकता हूँ। लेकिन तुम जैसे इसको करते रहोगे, तुमको लगेगा हाँ मेरे पास तो है, ये सच में होगा तुम्हारे साथ, कि तुम जैसे इसको पढ़ते रहोगे 3 या 4 बार तुम्हें एक दिन में पढ़ना है, मॉर्निंग नाइट इवनिंग पे, ठीक है, जब जो भी तुम्हें टाइम मिले तुम्हें 4 बार पढ़ना है, लाउडली, सबके सामने मत पढ़ना, ऑब्वियसली एक स्पेस ऐसा ढूंढ लो जहाँ पे तुम पढ़ सकते हो, या मन में तुम लाउडली इसको बोलना, ठीक है, वहाँ पे बोलना कि मेरे पास ये चीज़ है, मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है, तो वो क्या है, कन्विक्शन में धीरे 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 ट्रांसम्यूट होते हैं चले जाएगा। और तुम जैसे ये बोलते जाओगे ना कि मेरे पास है मेरे पास है, तो तुमको अंदर से लगेगा यार है ठीक है, पर इसके लिए हमको एफर्ट भी लगाना चाहिए। तो अब तुम काम करना भी स्टार्ट कर दोगे, वो कार जो तुम चाहिए तुमको, उसके लिए तुम काम भी स्टार्ट करना शुरू कर दोगे, काम भी स्टार्ट करना शुरू कर, ओके सॉरी, तो काम भी शुरू कर दोगे उसके लिए। और धीरे 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 जो गोल तुम्हारा था, वो जो ट्रांजिशन तुमको यहाँ से यहाँ करना था, वो अब धीरे धीरे गैप धीरे धीरे कम होते चला जाएगा, स्लोली इसके इसके बीच में जो डिफरेंसेस है ना, बहुत कम रह जाएंगे, ठीक है। तुमको कार्ड लेना है और उसमें ये बोलते जाना कि मेरे पास ये है, इसको देखना, ये हैबिट जो है तुमको डेवलप करनी है, और तुम गौर करना कि ये हैबिट तुम नहीं कर पाओगे डेवलप स्टार्टिंग में, तुम्हें अजीब लगेगा, बोले नहीं ऐसे कुछ नहीं काम बनता है, ऐसे क्या होगा, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मेहनत नहीं, मेहनत बहुत करोगे तो भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, ऐसा सबके साथ होता है, मेरे दोस्तों के साथ भी ऐसा ही हुआ है, ठीक है, बहुत मेहनत कर रहे हैं पर आउटपुट जो है वो बहुत कम आ रहा है, लेकिन इसमें तुमको आउटपुट पक्का आएगा, मैं तुम्हें गारंटी के साथ बोल सकता, ठीक है। तो बस इस छोटे वीडियो में थोड़ा सा मैं ये बता रहा हूँ कि गोल कार्ड ले लो, सॉरी, और उसके बाद जो चाहते हो उसको लिख लो और उसको लाउडली पढ़ो दिन में 3 बार या 4 बार, और वो धीरे धीरे कन्विक्शन में चेंज होगा, तुम्हें बिलीव हो जाएगा कि हाँ मेरे पास सच में कार है, और तुम धीरे धीरे स्ट्राइव करोगे उस कार को पाने के लिए, एक्शन तुम अपने पता चल जाएगा तुम्हें कौन सा एक्शन लेना है, अब अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें दिखने लगेंगी, पहले तुम्हें पता नहीं था सबसे पहले कार चाहिए, उसके बाद ये भी नहीं पता था कि इसके लिए करना क्या होगा, लेकिन अब बिल्कुल अपोजिट होगा, अब पता भी है कार चाहिए, ऑब्वियसली मैंने डिसाइड कर लिया है, और अपॉर्चुनिटीज तुम्हें दिखेंगी, ये तो कोई मैं ये कर सकता हूँ जो तुमने कभी नहीं किया था लाइफ में, वो भी तुम करोगे उसको पाने के लिए। ये पहली ट्रिक है सबसे इजी जो तुम कर सकते हो, और जो तुम फाइनल ब्लूप्रिंट निकाले हो अपने पर्सनैलिटी का, जिसको जो तुम्हें बनना है, उसको भी तुम पढ़ते रहो उसको, पढ़ते रहो उसको, मन में उतारो, अंदर तक उसको जाने दो, धीरे 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 देखोगे तुम वो एकदम मैजिक के जैसे काम करेगा, और सच में जो तुम चाहते हो वैसे वहाँ पे तुम खड़े हो जाओगे, अभी तुम्हें दिख नहीं रही है पर वहाँ पे ही तुम पहुँचोगे जहाँ पे तुम पहुँचना चाहते थे, ठीक है। तो आई होप कि तुम्हें कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा इस वीडियो से, थोड़ी मोड़ी मैंने ऊपर नीचे बोल दी है तो उसके लिए आई एम सॉरी, और अगर तुम्हें अच्छा लगे तो लाइक करना, और कुछ भी अगर तुम पूछना चाहते हो या तुम्हें कुछ भी सजेशन देना है, आई एम ओपन, ठीक है, तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ओके, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।